ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी नहीं आते, कुल बात ही बात नहीं नहीं वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वो आकर खड़े हो जाते हैं और तुमको पता भी नहीं चलता है सब काम कहां से कहां क्या हो गया, तुम देखते ही रह जाओगे। तो संबंध भगवान से, धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया, उनके समझ में नहीं आई क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, भक्त की बात को भक्त ही समझ पाता है। ये भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं महाराज, इनको ठाकुर जी की बात भी समझ में नहीं आती, इन भक्तों को तो कोई भक्ति ही समझाएगा तभी समझ में आती है। भगवान ने कहा ये हमारे से नहीं समझेंगे, इनको तो कोई और ही चाहिए। और अब यहाँ पर भगवान का एक परम भागवत भक्त आज अंतिम विदा लेने वाला है। भगवान उसके लिए रुके हुए थे, अभी महाभारत का युद्ध हो गया, घर जाना था, लेकिन एक भक्त के लिए भगवान रुके हैं। आपको पता है अभी ठाकुर जी किसके लिए रुके हुए हैं? हाँ, कुंती बुआ सोच रही हमारे भतीजे शायद हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं इसलिए रुके हुए हैं। पुत्रा सोच रही हमारे लिए रुके हुए हैं। द्रौपदी के मन में है मेरे भाई हैं इसलिए मेरे लिए रुके हुए हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए रुके, हमारे लिए रुके हैं, लेकिन हकीकत में अभी ठाकुर जी किसके लिए रुके हैं? भीष्म पितामह के लिए रुके हुए हैं। बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में, और महाराज ये कोई सर्कस के खिलाड़ी का खेल नहीं कि नीचे से लोहे की पथारी बिछाई, ऊपर से लोहे की पिथारी और फिर उसमें लोहे वो बाण के ऐसे निशान बनाकर दिखा दिया, नहीं नहीं तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने मारे हैं बाण और भीष्म पितामह के शरीर को बाण बीध कर चीर कर उस पार निकल गए, रोम रोम में बाण लगे और भीष्म पितामह जब पड़े तो बाणों की सैया तैयार हो गई। तो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, रक्त टपकते टपकते बाणों पर सूख चुका है। इच्छा मृत्यु के मालिक हैं, उत्तरायण के पवित्र समय में ही हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। देखो रामायण के भुसुंडी और महाभारत के भीष्म ये दोनों इच्छा मृत्यु के मालिक हैं। ताकत नहीं जो मौत की इनकी बिना आज्ञा किया जाए। हम संसारियों को हम भोगियों को तो मौत कब पकड़ लेती है पता तक नहीं चलता, लेकिन भीष्म जैसे योगी पुरुष भी हैं जिनकी आज्ञा के बगैर मौत भी नहीं आ सकती है, जिन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी मुझे अंतिम समय में आप दर्शन देने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। रोम रोम में बाण लगे हैं। जरा विचार करो, हमको कहीं कोई कांटा लग जाए, कोई लोहे का कुछ कील लग जाए, कुछ लग जाए और वो पक जाए, है ना, तो कितनी तकलीफ होगी। आजकल तो जरा सा कुछ बच्चों को लगता है तो मम्मी पापा को चिंता होती है, अरे टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ इसको, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना। जरा सा पक जाए कहीं तो कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट होता है। और उस योगी पुरुष के बारे में सोचिए, विचार करिए, जिसके रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, एक एक रोम में बाण है। भीष्म पितामह जब पड़े हैं तो बाणों के सैया पर लेटे हुए हैं और अंतिम समय में यहाँ पर उत्तरायण के पवित्र समय में शरीर छोड़ेंगे, लेकिन उन बाणों के सैया पर भी वो भीष्म पितामह भगवान का स्मरण कर रहे हैं, क्या प्रभु मुझे अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे नाथ मुझ पर कृपा करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। बाणों की सैया पर भी पड़े पड़े भीष्म पितामह ठाकुर जी को याद करते रहते हैं, ठाकुर जी आप मुझे दर्शन देने के लिए आओगे कि नहीं आओगे, रोते रहते भगवान की याद में। एक रात में तो एक बार दुर्योधन मिलने आया था भीष्म पितामह से कुरुक्षेत्र में रात में, तो देखा भीष्म दादा रो रहे हैं, उनकी आंख से आंसू आ रहे हैं। दुर्योधन को लगा कि इन बाणों की पीड़ा के कारण शायद भीष्म दादा की आंख से आंसू आ रहे हैं, तो कहा दादा आपकी आंख में आंसू इन बाणों की पीड़ा के कारण, आप दुखी मत होइए, चिंता मत करें, अभी मैं जाता हूँ बड़े बड़े वैद्यों को बुलवा कर लाता हूँ, आपके इन बाणों को निकलवा कर मैं आपका उपचार करवाता हूँ, आप रोइए मत, आपसे बाणों की पीड़ा नहीं सहन हो रही है,
मैं भी आपका उपचार करवाता हूं। सुनकर तो महाराज नेत्र लाल हो गए भीष्म पितामह के, कहा क्या कहते हो दुर्योधन, ये बाणों की पीड़ा के कारण हमारी आंख में आंसू है। अरे मूर्ख दुर्योधन, आज तक जगत में विश्व में ऐसा कोई बाण बना ही नहीं जो भीष्म पितामह के शरीर को पीड़ा दे सके, उसकी आंख में आंसू ला सके। ये आंख के आंसू बाणों की पीड़ा के कारण नहीं, ये हमारे आंख के आंसू तो गोविंद की याद में है, ठाकुर की याद में है कि ठाकुर जी हमें दर्शन देने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने जीवन में बहुत अपराध किए होंगे, पता नहीं ठाकुर जी मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, आंख के आंसू तो उनकी याद में है। हर समय रोते रहते हैं भगवान की याद करके बाणों की सैया पर। आज उत्तरायण का पवित्र समय आया है, बड़े बड़े संत बड़े बड़े ऋषियों को पता चला आज महाभारत का महान पात्र अंतिम विदा लेने वाला है, इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भीष्म दादा को अंतिम समय में विदा देने के लिए आए हैं। साधारण महात्मा नहीं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत। पर्वताय नारदाय धौम्याय बृहदस्वा भरद्वाज अत्रि वशिष्ठ इंद्रप्रवर भगवान वेदव्यास स्वयं भगवान परशुराम, बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं अपने अपने शिष्य वृंदों को लेकर। और देखो संत ही नहीं पधारे, स्वयं भगवंत द्वारिका नाथ भी आने वाले हैं। कितनी मंगलमय मृत्यु है भीष्म पितामह की, है ना, कितनी सुंदर मृत्यु है। हमारी मृत्यु के समय कौन आता है, चाचा के आते हैं, ताऊ के आते हैं, फूफा के आते हैं, दो चार दस हमारे इष्ट मित्र भी आते हैं। और मान लीजिए हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं तो फिर चार पांच डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी है, ना कोई है, ना कोई, यहाँ तो संत और भगवंत पधारे हैं। भैया हम भी यही कहना चाहते हैं, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ, अपने जीवन को इतना निर्मल बनाओ कि अंतिम समय में संत और भगवंत को तुम्हें दर्शन देने के लिए आना पड़े, वो बाध्य हो जाए तुम्हें दर्शन देने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए आना पड़े। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, संत पधारे हैं सब, स्वयं भगवान द्वारिकानाथ भी आने वाले हैं। अब तो यहाँ पर स्वागत किया सभी महापुरुषों का, सभी महापुरुष आप पधारे, आपने बड़ी कृपा करी, अंतिम समय में आप हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। सभी महापुरुष एक तरफ खड़े हो गए और अब यहाँ पर स्वयं भगवान द्वारिकानाथ रथ लेकर आए हैं, लेकिन अकेले नहीं आए, धर्मराज युधिष्ठिर को भी लेकर आए, अर्जुन को भी साथ में लिया, भीम को भी लिया, नकुल सहदेव को साथ में लेकर, पांचों पांडवों को द्रौपदी को साथ में लेकर स्वयं सारथी बनकर आए हैं। रथ लाकर खड़ा किया कुरुक्षेत्र के मैदान में, पांचों पांडव रथ से उतरे, नीचे द्रौपदी उतरी, और जाकर जैसे ही पांचों पांडवों ने द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, कहा दादा मैं धर्मराज युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हूं, क्या बेटा धर्म आ गए, और बगल में खड़े हो गए धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी सब प्रणाम करके, और सबसे आखिरी में स्वयं भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आए हैं। और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने आकर भीष्म दादा के चरणों की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, भीष्म दादा मैं पांडवों का सारथी कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे ही कहा पांडवों का सारथी कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं, सुनते ही भगवान की आवाज
भीष्म दादा की आंखों से आंसुओं की धारा प्रकट हो गई। कहा, मेरे नाथ, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं जानता हूं आपको, छलिया आप पांडवों के रथ का सारथी बनकर आना तो आपका केवल बहाना मात्र है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मुझे पता है हकीकत में आप मुझे यहाँ पर दर्शन देने के लिए पधारे, लेकिन हे केशव, अब आपसे एक विनती है, प्रार्थना है। आप यहाँ पर मुझे दर्शन देने के लिए आए हो ना, तो एक विनती है, जब तक मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर न चले जाए तब तक आप इसी प्रकार से मेरे सामने ऐसे खड़े रहना। देव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम याव दिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे देवों के देव प्रतीक्षताम्, आज आपकी बारी है प्रतीक्षा करने की। हम रोज आपके मंदिर में जाते हैं, पर्दा लगा हुआ रहता है, बाहर खड़े रहते हैं, तो पुजारी जी कहते हैं अभी थोड़ी देर ठहरो, अभी थोड़ी देर रुको। ठाकुर जी भी प्रतीक्षा कराते हैं रोज अपने भक्तों को, इंतजार कराते हैं, ठहरो अभी, बाद में दर्शन मिलेगा, है ना, बाद में दर्शन मिलेगा। तो जिस प्रकार नित्य आपके भक्त आपका इंतजार करते हैं, आज वैसे ही आप प्रतीक्षता, हे मेरे ठाकुर, आज आप यहां खड़े हो, मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर न चले जाएं, आप इस स्थान को छोड़कर मत जाना। भगवान वहीं पर अपना पीला पीतांबर फहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए। और अब यहाँ पर भी धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म दादा के सामने रो पड़े। कहा, बेटा धर्मो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, अब तो राज सत्ता तुमको मिल गई, अब तो गद्दी मिल गई। बोले, हाँ दादा, लेकिन आपके जैसे महापुरुषों को मार कर ये राजगद्दी मिली है, जब भी उस पर बैठता हूं मैं बहुत अशांत हो जाता हूं। तब भीष्म दादा ने बाणों की सैया पर पड़े पड़े ही विविध धर्मों का, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, अनेकानेक धर्मों का निरूपण किया है, उनको धर्म का उपदेश किया, राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, बहुत सारे धर्मों के बारे में बताया। महाभारत में सब कथा विस्तार से है। और अब यहाँ पर, लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह विविध धर्मों का उपदेश कर रहे थे, धर्म की बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, उस समय द्रौपदी को उनकी बातें सुनकर हंसी आ गई। बोलो राधे राधे। द्रौपदी को जैसे ही हंसी आई तो पूछा भीष्म दादा ने, बेटी क्या बात है, क्यों हंस रही हो। कहा, नहीं दादाजी, बस वैसे ही आ गई हमको हंसी। बोले, नहीं, अच्छे कुल की स्त्रियां भरी सभा में अकारण इस प्रकार से नहीं हंस सकती हैं, तुम्हारे हंसी का क्या कारण है, बताओ बेटी, सच बताओ। तो कहा, बस ऐसे ही दादाजी, आ गई हंसी। आज आप जो हमारे पति को धर्म का उपदेश कर रहे हैं, ये ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये आपका ज्ञान, ये आपका धर्म उस दिन कहाँ चला गया था जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में हमारे वस्त्रों को खींच रहा था। उस समय मैं आपके सामने भी आई थी, आपको भी धर्म की दुहाई दी थी, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था। सुनकर भीष्म दादा की आंख में आंसू आ गए। भीष्म दादा ने कहा, बेटी द्रौपदी, तुम्हारी बात सही है, उस समय भी मुझे ये धर्म का ज्ञान था, लेकिन धर्म का ज्ञान होते हुए भी मैं धर्म बोल नहीं पाया। क्यों? उस समय मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, और पापी दुर्योधन का जो अन्न है वो मेरे शरीर में रक्त बनकर बह रहा था, इसीलिए धर्म जानते हुए भी मैं धर्म बोल नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं, भैया
जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए अन्न भी किसका कौन खिला रहा है, किस लिए खिला रहा है, इस पे विचार होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं भी खा लो, किसी का भी खा लो। लेकिन आज धर्म में इसलिए बोल पा रहा हूं, द्रौपदी तेरे पति अर्जुन ने जो मुझे बाण मारे हैं ना, वो बाण मेरे शरीर के रोम रोम में लगे हैं और मेरे शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। आज रक्त की एक बूंद भी मेरे शरीर के भीतर में नहीं है, इसीलिए आज मैं धर्म बोल पा रहा हूं। और उस समय मैं नहीं बोला था, वही कारण तो है कि मैं बाणों की सैया पर आज पड़ा हूं। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया अपने, लेकिन मैंने पाप होते हुए अपने सामने में सामर्थ्यवान शक्तिवान होते हुए भी मैंने पाप को देखा। देखो भैया, अपने सामने यदि कोई पाप किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तो यदि आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो आप उसकी रक्षा करो, और यदि सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो फिर आप वहां से हट जाओ, उसको अपनी आंख से देखो मत, नहीं तो फिर उसका पाप के भागी तो आपको भी बनना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर को विविध धर्मों का उपदेश किया, पवित्र और उत्तरायण का पवित्र समय आया है, और अब भीष्म दादा ने मन वृत्ति और वाणी सब कुछ भगवान के चरणों में लगाए और अंतिम समय में अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपनी मति को भगवान को समर्पित करते हुए स्तुति करी है। आइए हम लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु जैसी गति आपने भीष्म पितामह को दी, वैसी ही गति आप हमको भी प्रदान करें। फिर ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
प्रकट हो ध्यान में घट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी समर्पित किया। उसके बाद में अब भगवान ने विदा मांगी है इन पांडवों से, भैया तुम्हारा अब सब काम हो गया, अब हमको भी घर की याद आ रही, अब जाने दो। तो पांडवों ने दुखी मन से, खिन्न मन से ठाकुर जी को विदा किया। दुखी इसलिए है, राज सत्ता तो मिल गई लेकिन अब ठाकुर जी छोड़कर जा रहे हैं ना हमको, तो दुखी मन से ठाकुर जी को विदा किया। यहां पर भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अनेकानेक जंगलों को, प्रदेशों को, सबको पार करते हुए आए हैं द्वारिका में। और जैसे ही भगवान द्वारिका में आए तो देखो ये जितने भी द्वारिकावासी थे ये सब के सब मानो भगवान के वियोग में निष्प्राण हो गए थे। अब तो भगवान ने जैसे ही द्वारिका के बाहर से शंखनाद किया है, जैसे ही कन्हैया ने शंख बजाया,
भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का शंख बजते ही मानो इन सभी ब्रजवासियों के अंदर प्राणों का संचार हो गया और ये सारे के सारे द्वारिकावासी अब तो तुरंत महाराज द्वारिका से बाहर निकलकर आए भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के स्वागत के लिए। सबने भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का स्वागत किया, लेकिन अब भगवान पहले किसके घर जावे, क्योंकि ठाकुर जी की तो 16108 रानियां है ना, अब एक दो हो तो बात चले भी, बोलो राधे राधे। यहाँ तो 16108 है, अब किस रानी के घर पहले जावे, और ये एक एक रानी के घर भी एक एक बार में जाएंगे तो फिर 16108वीं का नंबर कब आएगा। तो देखो ये भगवान का सामर्थ्य है महाराज। अब ठाकुर जी ने क्या किया, तुरंत 16108 रूप बनाए और एक ही बार में उन 16108 रानियों के महल में ठाकुर जी गए हैं, एक ही बार में सब रानियों के महल में गए। तो सभी रानियों को लगा कि लगता है ठाकुर जी सीधे हमारे ही पास आ रहे हैं। सब रानियों ने पूछा, अच्छा प्रभु ये बताइए क्या सीधे आप हमारे ही पास आ रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, हाँ देवी झूठ नहीं बोलता, सीधे तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। इसीलिए कहते हैं भैया, ठाकुर जी ने जो किया है वो करना संभव नहीं है, ठाकुर जी ने जो कहा है वो हमको करना है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने जो किया है यदि उसको करने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर चक्कर में ही फंस जाओगे। बोलो राधे राधे। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज, अब ठाकुर जी ने तो 16108 विवाह किए तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या, ठाकुर जी ने तो 16108 किए तो हम दो चार नहीं कर सकते हैं। तो हम कहते हैं भैया मना किसने किया है, दो चार क्या 10-20 कर लो, लेकिन पहले एक को तो संभाल लो। बोलो राधे राधे। एक संभलती नहीं है लोगों से और 16108 की बात करते हैं लोग, बात बनाते हैं, है ना। ये तो कन्हैया ही हमारे कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है भैया। हाँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान ने जो किया है वो करना संभव नहीं। कई लोग कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसा किया तो हम, अरे ठाकुर जी ने और भी तो बहुत कुछ किया है वो भी तो देख लो, ठाकुर जी ने जहर भी तो पिया है पूतना का, तुम जरा वो चूहे मारने वाला ही चेक करके देख लो, वो तो सबसे है। ठाकुर जी ने तो कालकूट जहर पिया था पूतना का, और तुम वो चूहे वाला आजकल उसमें भी मिलावट आती है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा काम कर जाता। ठाकुर जी ने ऐसा किया, लोग कहने को ठाकुर जी ने माखन चुरा कर खाया, अरे ठाकुर जी ने माखन चुरा कर खाया तो फिर ठाकुर जी ने आग भी तो पी, दावाग्नि का पान ठाकुर जी ने दो दो बार किया है ना। ठाकुर जी ने चीर चुराए तो ठाकुर जी ने द्रौपदी के वस्त्र भी तो बढ़ाए, ठाकुर जी 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया 7 को उसके गोवर्धन नाथ को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर लेकर खड़े हो गए थे, है ना, 7 दिन तक 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया। और यहाँ पर ऐसा करो, बहुत मन बन रहा है ना ठाकुर जी बनने का कि ठाकुर जी ने ऐसा किया तो हम भी, तो आप ऐसा करो केवल 7 किलो का एक पत्थर लो, और ऐसे उंगली पर भी नहीं, ऐसे केवल 7 दिन भी छोड़ो, केवल 7 घंटे ऐसे लेकर खड़े रहो तो पता चल जाएगा ठाकुर जी क्या और तुम क्या हो। बोलो राधे राधे। यदि 1/2 घंटे भी ऐसे किसी से कह दिया जाए हाथ उठाकर तो हाथ की सब नसें ढीली पड़ जाएंगी। भगवान ने जो किया है वो करना संभव नहीं, हमारे ठाकुर जी ने जो कहा है वो हमको करना है भैया। गीता जो गाई है ठाकुर जी ने उसमें हमको बताया है हमें कैसे जीना है, ये हमारे ठाकुर जी ने बताया है। अब तो यहाँ पर भगवान द्वारिका आए और अब हस्तिनापुर में भगवान ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के उधर में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जिस बालक की रक्षा करी थी, अब उस बालक ने उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया। और जैसे ही महाराज उस बालक का जन्म हुआ वो तो चारों तरफ देखने लगा कि मेरी माँ के गर्भ में
जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा करी थी, ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं, तो नाम पड़ गया परीक्षित। मतलब जन्म के साथ ही राजा परीक्षित ने भगवान की प्राप्ति का, भगवान की खोज का कार्य आरंभ कर दिया। अब तो ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति पुण्या वाचन आदि कराया, जात कर्म संस्कार करवाया और उसके बाद में सुंदर नामकरण करते हुए कहा, देखो धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान विष्णु की अति कृपा के कारण यह बालक तुम्हारे घर तुम्हारा पुत्र बनकर आया है, इसीलिए विष्णु राज कहलाएगा। सुंदर भविष्य कथन किया, इक्ष्वाकु जैसा महामानव होगा, दासरथी राम जैसा सत्य संगी और ब्रह्मण्य होगा, शिवी जैसा शरणागत वत्सल होगा, दोनों अर्जुन कुंती पुत्र अर्जुन और सहस्रार्जुन की तरह बाणाबली होगा, अग्नि के समान दुग्धर्ष होगा, सागर के समान दुस्तर होगा, मृगेंद्र के समान विक्रांत होगा, पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा, अनेकानेक यज्ञ करेगा, पुत्र की मृत्यु होगी। सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज तो क्या हमारा यह पौत्र हमारे कुल को कलंकित करेगा है? क्या हमारा पौत्र ब्राह्मणों का अपराध करेगा? हमारा कुल तो ब्राह्मणों को पूजने वाला है और ऐसा हमारा पौत्र क्या ब्राह्मणों का अपराध करेगा? क्योंकि बिना अपराध के तो ब्राह्मण श्राप देने वाले हैं नहीं, तो क्या हमारा यह पौत्र ब्राह्मणों का अपराध करेगा? बोले, नहीं धर्मराज, आपके इस पौत्र पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, ब्राह्मणों का शाप भी आपके पौत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा और अंतिम समय में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा को सुनकर भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ये जो बड़े बड़े देव, बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े महर्षि भी जिस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, उस पद को आपका ये पौत्र प्राप्त करेगा। भागवत कथा सुनकर तब तो महाराज बहुत सारी दक्षिणा दी है यहाँ पर ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण वो दक्षिणा लेकर संतुष्ट मनसा यहाँ भी आए। अब परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसी समय विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो इस सब संघर्ष से दूर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। अब भगवान के भक्तों को संघर्ष से क्या लेना देना, इसीलिए वो तो तीर्थ यात्रा को चले गए। और जब लौट कर आए हैं विदुर जी, अब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, तब विदुर जी लौट कर आए, पांडवों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया, लेकिन विदुर जी ने क्या देखा कि अभी भी धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित है और अभी भी उनका मन भगवान के भजन में लगता नहीं है। वो अभी भी संसार में ही आसक्त हैं, पुत्रों में ही, पांडवों में ही मोहित है। पहले कौरवों से मोहित थे, अब पांडवों में फंसे हुए हैं। तब विदुर जी ने आकर समझाया धृतराष्ट्र गांधारी को, अभी भी तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया है और फिर भी तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा है। जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने सारा जीवन षड्यंत्र रचा, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर तुम पल रहे हो, फिर भी तुम्हारा मन संसार को छोड़ने का नहीं हो रहा है, ऐसी दयनीय स्थिति में भी तुम्हारा मन भजन में नहीं लग रहा है, हैं? तब कहा कि अरे क्या बताएं विदुर जी, ये धर्मराज युधिष्ठिर हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हमको कहीं जाने ही नहीं देते हैं, वो तो हमारा बहुत सम्मान करते हैं, हमको बहुत प्रेम करते हैं। बोले, वो तो धर्मराज हैं, वो तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? अब तो सब छोड़कर भगवान का भजन कर लो। देखो महाराज, धर्म जो है जीवन में दृष्टि देता है और अधर्म जीवन में जीव को अंध बनाता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसी के पास दृष्टि है, लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है वो तो फिर अंधा ही हो जाता है, फिर सही क्या है गलत क्या है उसके कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए ध्यान रखना, जीवन में सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहो। विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र गांधारी के जीवन में जागृति आई और अब धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी के साथ किसी को बताए बगैर
आए हैं यहाँ जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं। दूसरे दिन धर्मराज युधिष्ठिर आए, अपने माता पिता को नहीं देखा तो बड़े दुखी हुए, कहाँ चले गए हमारे माता पिता। बगल में संजय रो रहे थे, संजय ने कहा धर्मराज मुझे भी नहीं पता मेरे मालिक मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। तब तो धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई अपने माता पिता की, क्या करें। उसी समय देवर्षि नारद पधारे हैं तुम्बुरु को साथ में लेकर, और नारद जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, देखो धर्मराज अब तुम अपने माता पिता की चिंता छोड़ो और अब अपनी चिंता करो। बोलो राधे राधे। अब तुम्हारे माता पिता तो देवर्षि नारद के साथ में गए हैं जंगल, वो विदुर जी के साथ में गए हैं जंगल में भगवान का भजन करने, वहां जाकर उनके भजन में विक्षेप मत करना। आज से तीसरे दिन उनका शरीर छूटेगा, जंगल में लगेगी दावाग्नि, उसमें जलकर वो भस्म हो जाएंगे, वहां जाकर उनके भजन में विक्षेप मत करना। अब तुम उनकी चिंता छोड़ो और अपनी तैयारी करो। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि अब कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपनी लीला को पूरा करके स्वधाम पधारने वाले हैं, और जब से भगवान चले जाएंगे तब से तो कलयुग आ जाएगा, और जब कलयुग आएगा तो फिर तुम्हारा रहना भी ठीक नहीं है कलयुग में। तो कहा ठीक है महाराज। और यहाँ पर तीन दिन बाद धृतराष्ट्र गांधारी का शरीर छूटा, जंगल में लगी दावाग्नि, उसमें जलकर उनका शरीर भस्म हुआ। विदुर जी वहां से आगे बढ़ गए और यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगा है। आज कई दिनों के बाद धर्मराज युधिष्ठिर एकदम अशांत बैठे हुए हैं, उनका मुख मलिन सा हो रहा था। तो भीमसेन ने पूछा, बड़े भैया क्या बात है, आप इतने अशांत क्यों हैं? बोले क्या बताऊं भीमसेन, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों आज मैं भगवान के मंदिर में गया ठाकुर जी का दर्शन करने, तो मुझे ठाकुर जी की प्रतिमा निस्तेज दिखाई दी। गौशाला में गया गायों की सेवा करने, तो मुझे गौ माता की आंखों में आंसू दिखाई दिए। ये वातावरण में ऐसी मायूसी छा रही है, ऐसा लग रहा है ये पृथ्वी किसी के वियोग में रो रही है, कोई बहुत बड़ा महापुरुष इस धराधाम को छोड़कर चला गया है। मुझे चिंता हो रही है, विदुर जी ने, देवर्षि नारद ने जो बताया वो समय तो नहीं आ गया, कहीं भगवान श्री कृष्ण स्वधाम तो नहीं पधार चुके हैं। अर्जुन को भेजा है मैंने द्वारिका समाचार लेने के लिए, और कहा था 6 मास से ज्यादा वहां मत रुकना, लेकिन 6 मास से भी ज्यादा समय बीत गया, अभी तक अर्जुन लौट कर नहीं आए हैं। मुझे चिंता हो रही है। और उसी समय देखा तो क्या, अर्जुन का रथ आ रहा है, और महाराज आज रथ की ध्वजा जो है वो टूटी हुई है, विषाद के बादल छाए हुए हैं अर्जुन के मुख पर। देखते ही समझ गए कि जरूर कोई ना कोई अनिष्ट हुआ है। जैसे रथ पास में आकर खड़ा हुआ, दौड़े हैं धर्मराज, क्या हुआ अर्जुन, क्या बात है, तुम्हारे मुख का तेज कहाँ चला गया, तुम्हें हमने द्वारिका भेजा था, प्रथम जिमाने योग्य ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, बच्चों को जिमाए बगैर तुमने भोजन कर लिया, या अर्जुन शरण में आए हुए कि तुम रक्षा नहीं कर पाए, बताओ अर्जुन तुम्हारा तेज कहाँ चला गया। अरे तुम तो द्वारिका गए थे, ये बताओ भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कैसे हैं, नंद यशोदा मैया, वसुदेव देवकी कैसे हैं, दाऊ जी कैसे हैं, उग्रसेन महाराज कैसे हैं, और या तो सच सच बताओ अर्जुन, जिनके बगैर तुम्हारा जीवन संभव नहीं, उन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से ही तो तुम वंचित नहीं हो गए। और सुनते ही महाराज अर्जुन का रुदन प्रकट हो गया, कहा बड़े भैया जिन जिन के नाम ले लेकर आप जिनकी कुशलता पूछ रहे हैं, अब उनमें से कोई जीवित नहीं बचा है। ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्वधाम पधार चुके हैं। बड़े भैया
आज मुझे पता चला कि कृष्ण नहीं गए, मेरी शक्ति चली गई। बड़े भैया, मैं अर्जुन वही का वही हूँ, ये गांडीव वही का वही है, लेकिन आज जब मैं यादव स्त्रियों की रक्षा करते हुए आ रहा था तो मुझे रास्ते में भीलों ने लूट लिया। समय समय बलवान है, नहीं कि मनुज बलवान, और काबे अर्जुन लूट लियो, वही अर्जुन वही बाण। आज मुझे पता चला कि वो शक्ति, जिस शक्ति के सामर्थ्य से मैंने खांडव वन अग्नि को समर्पित किया था, कौरव सैन्य सागर पर मैंने विजय प्राप्त करी थी, आज मुझे पता चला कि वो शक्ति मेरी नहीं, वह शक्ति तो परमात्मा की थी। जैसे ही सुना द्रौपदी ने, वो तो बहुत रोई, भैया अब दुष्ट दुशासन जैसे तत्वों से तुम्हारी बहन द्रौपदी की रक्षा कौन करेगा। लेकिन जैसे कुंती बुआ ने सुना है कि भगवान स्वधाम पधार चुके हैं, महाराज सुनते ही तत्क्षण ही कृष्ण कृष्ण कहते हुए कुंती बुआ ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसे देखो दो भक्त हुए हैं जो भगवान का वियोग बिल्कुल सहन नहीं कर पाए, रामायण में श्री दशरथ जी महाराज और महाभारत में भागवत में से कुंती बुआ। एक क्षण का भी वियोग भगवान से सहन नहीं कर पाए। दशरथ जी भी बस तभी तक जीवित थे राम को छोड़ने के बाद जब तक एक आशा थी कि राम लौट कर आएंगे। सुमंत जी को समझाकर कहकर भेजा था कि राम को बहला फुसलाकर किसी तरह से अयोध्या के बाहर घुमाकर रात भर फिर उनको वापस ले आना। जब सुमंत जी लौट कर आए और बताया कि राम लौट कर नहीं आए, राम तो वन को चले गए, तब यहाँ पर राम राम कही, राम कही, राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। वियोग नहीं सहन कर पाए ठाकुर जी का। वैसे कुंती बुआ ने भी यहाँ तत्क्षण ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। और आप तो महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नारद जी ने हमको बताया था जब से भगवान स्वधाम पधारेंगे तब से तो कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में तो हमारा रहना ठीक नहीं, तो अपने पौत्र परीक्षित को ही राजगादी पर बैठाया। छोटे छोटे हैं परीक्षित अभी, लेकिन फिर भी उनको ही राजगादी पर बैठाया, और सब आए हैं स्वर्गारोहण के लिए। तो आप बद्रीनाथ गए होंगे, यदि तो बद्रीनाथ से नीचे पांडुकेश्वर महादेव पड़ते हैं। वह अंतिम बार पांडुकेश्वर महादेव में इन पांडवों ने भगवान शिव जी की पूजा करी, और शिव जी की पूजा करने के बाद में महाराज मानो हिमालय बना हो उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी, सतोपंत से स्वर्ग की सीढ़ियां चालू होती हैं। तो वो स्वर्ग की सीढ़ी से महाराज ये पांचों पांडव गए हैं स्वर्ग के लिए भगवान के धाम बाद में। और अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, राजा बने, तो उनका विवाह हुआ है उत्तर प्रजापति की कन्या के साथ में। तो जब उत्तर प्रजापति की कन्या के साथ उनका विवाह हुआ तो चार पुत्र हुए, जन्मेजय आदि। और परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती राजा बने हैं, उन्होंने सार्वभौमत्व स्थापित किया, सारी पृथ्वी के वो मालिक बन गए। अनेकानेक यज्ञ किए, सुमेध यज्ञ किए, लेकिन एक बार क्या हुआ, दिग्विजय करके लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, उनके राज्य में एक म्लेच्छ जिसने राजा का सा वेश धारण कर रखा है और गाय और बैल को हल पर जोत रखा है। जो बैल है वृषभ, उसके तीन पांव टूटे हुए थे, केवल एक ही पग पर खड़ा था। तो जैसे ही देखा तब तो राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, कहा अरे ये कौन है दुष्ट मेरे राज्य में जो राजा का वेश बनाकर गाय और बैल को पीड़ा दे रहा है। जो गाय है वो कौन है, वो गाय धरती का रूप है, जो बैल है वृषभ वो धर्म का प्रतीक है। जिस राजा के राज्य में धर्म और धरती की रक्षा न हो सके उस राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं। आजकल के राजा जो हो गए महाराज, ये सब राजा क्या हैं, क्या कहें इनको, ना धर्म की रक्षा हो पा रही है
न धरती की रक्षा हो पा रही है। गौ माता हमारी काटी जा रही है कत्लखानों में, गाय के नाम पर लोग वोट मांग कर आ जाते हैं और फिर गौ माता को भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, क्या कहेंगे, किसको, सब एक जैसे हैं। वोट पाने के लिए लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गौ माता फिर कष्ट पा रही है, तकलीफ पा रही है। कुछ गलतियां हमारी भी है, अब हम लोगों ने गाय रखना ही छोड़ दी, गाय पालना ही छोड़ दी, और जो पाल भी रहे तो वो जर्सी पाल रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब गाय क्या होती है लोग जानते ही नहीं है, है ना, तो जर्सी पाल रहे हैं। जिसके घर में गौ माता रहती है भैया, उसके घर पे कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जावे, बड़े से बड़ा संकट आ जावे, गौ माता उस विपत्ति को, उस संकट को अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अपना जो पालन करने वाला है, जो उसकी सेवा करने वाला है, उसके ऊपर वो विपत्ति, वो संकट गौ माता नहीं आने देती है। ये प्रत्यक्ष है गौ माता, जिसके घर में गौ माता रहती है उसके यहां वास्तु दोष नहीं होता है। हाँ, लेकिन अब तो मकान ही ऐसे होते हैं कि गौ माता रखेंगे कहाँ लोग। बोलो राधे राधे। अरे घर में नहीं रख सकते हो तो गौशाला में एक गाय रखो, कहीं भी हो गौशाला, किसी भी गौशाला में जहां भी हो एक गौ माता की सेवा ले लो। ये गौ माता की सेवा का जो खर्चा, ये गौ माता हमारी दूध के लालच से नहीं, ये गौ माता की सेवा का जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे। एक गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो तो इस तरह से, लेकिन करो। गौ माता की सेवा जीवन में सब कुछ देने वाली है। गौ ब्राह्मण, ये दो ही तो हैं ठाकुर जी के, और कलयुग में इन दोनों पे ही सबसे ज्यादा आक्रमण होता है। अभी क्या, अभी तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा इन दोनों के ऊपर और कष्ट आने वाले हैं। हम लोगों का जो कर्तव्य है वो हमको करना चाहिए। गौ माता की सेवा करोगे भी तो गौ माता तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। सारी विपत्ति गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, हमने देखा है, अनुभव है हमारे जीवन का। आपके आपके घर में यदि गाय है, आपके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, कोई विपत्ति आ रही है, तो गाय की आंख से अपने आप आंसू बहने लगते गौ माता की आंख से। गौ माता आपकी विपत्ति जानती है, बड़ी से बड़ी विपत्ति का वो हरण करने वाली है। इसलिए गौ माता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करोगे तभी गोविंद मिलेंगे। बोलो राधे राधे। और जो गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो गोविंद कहां से मिलेंगे। कन्हैया को तो अपनी गैया मैया ही प्यारी है ना, और कन्हैया को यदि गैया मैया, हमको गैया मैया नहीं प्यारी तो कन्हैया फिर कहेंगे जब इसको गैया मैया नहीं प्यारी तो फिर मैं कैसे जाऊं। बोलो राधे राधे। तो धर्म धरती की रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है। आप तो राजा परीक्षित को क्रोध आया, कौन है ये धूर्त मेरे राज्य में गाय और बैल को पीड़ा देने वाला, हाथ में शस्त्र उठाया है महाराज। जैसे ही दंड देने के लिए उसको तैयार हुए, वो अपना राजा का सा वेश छोड़कर, वो और कोई नहीं, वो तो कलयुग था, कलयुग अपना राजा का रूप छोड़कर भागने लगा, सब जगह गया, किसी ने भी कलयुग की रक्षा नहीं करी। अंत में तो कलयुग राजा परीक्षित की ही शरण में आया, कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूं। और शरणागत की रक्षा करना यह राजा का परम कर्तव्य होता है। आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। कहा देखो तुम कौन हो। कहा महाराज मैं कलयुग हूं। कहा कलयुग तो मेरे राज्य में कैसे आ गए। कहा महाराज मेरी बारी आई है, मेरा समय आया था, इसलिए मैं आया हूं। ये तो काल चक्र है ना, सतयुग के बद्वापर, त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद में कलयुग को तो आना ही आना था, तो मेरी बारी आई है इसलिए मैं आया हूं। तो कहा ऐसा करो फिर हमारे राज्य को छोड़कर चले जाओ कहीं। कलयुग ने कहा महाराज अब मैं आपके राज्य को छोड़कर कहां जा सकता हूं, आपने तो सारी पृथ्वी पर सार्वभौमत्व स्थापित किया है, आप तो सारी पृथ्वी के मालिक बन गए हैं, जहां भी जाता हूं मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है, तो महाराज मेरा तो समय आया है ना, मैं कहां जा सकता हूं। ऐसा करिए आप ही मुझे कोई स्थान दे दीजिए, आप ही मुझे कोई जगह बता दीजिए जहां पर जाकर मैं रहूं। राजा परीक्षित ने सोचा
वैसे तो इसकी बात सही है, ये तो काल चक्र है, जैसे दिन और रात, दिन गया तो रात आई, रात गया तो दिन, है ना, तो काल चक्र है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग को आना ही है। तो कहा ठीक है, अब तुम आ गए हो तो हम तुमको चार स्थान देते हैं, उन्हीं स्थानों में तुम रहना, और ये चार स्थान कलयुग को दिए हैं। राजा परीक्षित ने रहने के लिए कौन कौन से हैं ये चार स्थान, जरा ध्यान से सुन लो, कहीं ये स्थान तुम्हारे घर में आ गए हो तो उसको हटा देना, नहीं तो फिर कलयुग आ जाएगा तुम्हारे यहाँ भी। बोलो राधे राधे। वो कलयुग सर पर चढ़ के नाचने लगेगा। हाँ, चार स्थान दिए, कौन कौन से? द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। कहा तुम जुए में रहना, सबसे पहला स्थान दिया, जहां जुआ खेला जाता है। बोलो राधे राधे। वहां जुए में कलयुग का वास है, जुआ खेलते हैं, फिर लड़ते हैं आपस में, है ना, फिर वहीं पर कलयुग आकर बैठ जाता है सबके मती में। तो जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास। उसके बाद में पानम, जहां मदिरा का पान किया जाता है वहां पर कलयुग का वास है। परिस्त्री गमन, उसमें कलयुग का वास है। और महाराज चौथा है अधर्म, जहां जीवों की हत्या होती हो, हिंसा होती हो, जहां अधर्म का आचरण होता हो, वहां पर कलयुग का वास है। तो ये चार स्थान दिए राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा इन चार स्थानों में रहना, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है। बोलो राधे राधे। ये चार कमरे में हमारा पूरा होने वाला नहीं है, तो एक आध कमरा और मिल जाता तो हमारी व्यवस्था ठीक हो जाती। और महाराज ये चार स्थान आपने ऐसे दिए, इसमें कभी कोई सज्जन पुरुष नहीं जाता है, लेकिन कोई एक आध स्थान ऐसा दे दो कि उसमें कोई सज्जन पुरुष भी भूले भटके हमारे पास पहुंच जाए। तो जब पुनः याचना करी तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जब पुनः याचना करी है तब कहा ठीक है जाओ तुम स्वर्ण में रहना, सोने में रहना। तो सोने में भी कलयुग का वास है। सोने में कलयुग का वास है मतलब अरे सोना तो हमारे यहाँ सबसे पवित्र धातु कहा गया है। हम लोग सोने के आभूषण पहनते हैं, ठाकुर जी को धारण कराते हैं, सोना पहनना भी चाहिए। तो सोना पहनना भी चाहिए, ये सबसे पवित्र धातु है। तो सोने में कलयुग का वास मतलब यहां पर सोने से अर्थ है, हमारे संतों ने बताया है, जो अनीति से कमाया हुआ धन है। अनीति से मतलब जो बिना मेहनत का है, जो किसी को धोखा देकर कमा लिया है, जो छल करके झूठ बोलकर हमने जो कमाया है, वो अनीति का धन है। और ये अनीति का धन ऐसा है भैया कि तुम्हारा फिर सोना भी हराम कर देगा। ये अनीति का सोना ज्यादा घर में आ गया तो फिर तुम्हारा सोना हराम कर देगा। इसलिए नीति की रूखी सूखी रोटी खाओ, अनीति की मिठाई से बढ़िया है। किसी के दिल को कष्ट पहुंचाकर जो हमने धन, किसी को पीड़ा देकर जो हमने धन कमाया है, किसी के आंख के आंसू का कारण बनाकर हमने जो धन कमाया, उसमें कलयुग का वास है। और ऐसा धन यदि तुम्हारे घर में आ गया तो फिर तुम्हारे घर को, परिवार को नष्ट कर देगा। इसलिए ध्यान रखो भैया, अनीति का धन घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनीति का धन ज्यादा दिन रहता भी तो नहीं है। अनीति से धन होता है वर्ष 7 और 5, तुलसी द्वादश वर्ष में वो जड़ा मूल मिट जात। वो 7 में तुम्हारा जो नीति का है ना, उसको ही बटोर के ले जाएगा। बोलो राधे राधे। पांचवा स्थान दिया
लेकिन ये जो पांचवा स्थान ऐसा दिया कि इसके द्वारा पांच अन्य स्थान राजा परीक्षित, वो यहाँ पर राजा परीक्षित ने ये जो पांचवा स्थान दिया ऐसा कि उसके द्वारा कलयुग को पांच अन्य स्थान और अपने आप मिल गए। देखो जहाँ असत्य का धन आए, वो अनीति का धन आएगा, वहाँ असत्य तो आएगा ही आएगा, है ना। व्यापारी लोग कहते हैं ना, व्यापार में झूठ तो बोलना ही पड़ता है, बोलो राधे राधे, है, बिना झूठ बोले तो व्यापार होता नहीं है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। जहाँ अनीति का धन होगा तो वहाँ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो असत्य आ गया, असत्य के बाद अभिमान, जब बहुत धन आ जाएगा ऐसा अनीति का, तो स्वाभाविक है जीव के अंदर अभिमान तो आएगा ही आएगा। तो असत्य, अभिमान, काम, व्यभिचार, वैर, हिंसा, ये पांच अन्य स्थान और अपने आप मिल गए। भागवतकार कहता है, कहते हैं जो जीव अपना भला चाहता है वो भूल कर भी इन स्थानों पर न जाए। धर्म धरती को राजा परीक्षित ने पुनः सुखी किया, वहाँ धर्म धरती का सुंदर संवाद हुआ। अब तो यहाँ पर महाराज भागवतकार कहते हैं जो जीव अपना कल्याण चाहता है भूल कर भी इन स्थानों पर न जाए, लेकिन एक दिन स्वयं राजा परीक्षित भूले भटके और अपने बाप दादाओं का जो पुराना खजाना था उसको खुलवाया और उसमें से जरासंध का मुकुट निकलवाया। अब जरासंध ने तो सब अनीति से ही इकट्ठा किया था, उस सोने के मुकुट में कलयुग का वास था, बोलो राधे राधे। और महाराज अब वो कलयुग उस मुकुट से निकलकर राजा परीक्षित की मति में प्रवेश कर गया, बोलो राधे राधे। और अब राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए, उनके मन में हिंसा का भाव हुआ और अब वो शिकार खेलने को जाने को हुए। तो जैसे ही राजा परीक्षित यहाँ शिकार खेलने के लिए आए जंगल में, भूख और प्यास से व्याकुल हुए, तो बगल में ही श्रमिक ऋषि का आश्रम था। ऋषि श्रमिक समाधिस्थ बैठे हुए थे, उनको पता नहीं चला कि राजा परीक्षित आए हुए हैं, कोई आया हुआ है, उनको पता ही नहीं चला। लेकिन ये देखकर राजा परीक्षित को तो बड़ा अभिमान आ गया, उन्होंने कहा देखो तो इस ढोंगी महात्मा को, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा इसके आश्रम में आया हूं और ये आंख बंद करके बैठा हुआ है, मुझे देखकर उठ भी नहीं रहा है, मेरा स्वागत भी नहीं कर रहा है, देखूं तो इसकी समाधि सच्ची है कि झूठी है। आश्रम के एक सर्प को मारा है महाराज और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया, श्रमिक ऋषि को कुछ पता नहीं चला। राजा परीक्षित के हाथ ऋषि मुनियों को माला पहनाने के आदि थे, लेकिन आज उसी हाथ से राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया, अपराध हो गया। राजा तो अश्वारूढ़ होकर आ गए अपने महल में, लेकिन यहाँ पर किसी ने जाकर कहा श्रमिक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, वो कौशिकी सरिता में स्नान कर रहे थे, कारे श्रृंगी तुम यहाँ पर खेल रहे हो जल में, देखो तुम्हारे बाप की क्या दशा हुई। राजा आया था और राजा ने आके तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया है। तब तो श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कहा अच्छा राजा होकर उसने ऐसे अधर्म का आचरण किया, हमारे पिता के गले में मृत सर्प डाला, हमें लगता है जब से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए हैं तब से कोई श्रेष्ठ राजा राज्य करने के लिए नहीं बचा। ठीक है, यदि राजा के पास सत्ता का बल है तो हमारे पास साधना का बल है, हम संसार के लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि सत्ता का बल बड़ा होता है कि साधना का बल बड़ा होता है। इत्युक्ता रोषताम्राक्षो वैश्यान ऋषि बालकाः, आयु में तो बालक है लेकिन ऋषि बालक है, तेजस्वी बालक है। तुरंत कौशिक्यापस्पृश्य वाक वज्रम विषसर्जः, कौशिकी सरिता का जल लेकर वाक वज्र बोलते हुए जल छोड़ा है महाराज, शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमे हनि, जिस किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से सातवें दिन उसको तक्षक डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। शाप दे दिया राजा परीक्षित को। अब तो यहाँ पर श्रृंगी ऋषि रोता रोता आया,